के अंदर बेटा आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ऑलिफैक्टरी सेंटर या ऑलिफैक्टरी एरिया मिलता है, और ये ऑलिफैक्टरी सेंटर या ऑलिफैक्टरी एरिया आपको बताता है कि भैया आपने किस चीज को स्मेल किया। समझ में मेरी बात, मैं क्या बताना चाहता हूं, मतलब आपका जो ऑलिफैक्टरी पाथवे है, ऑलिफैक्टरी पाथवे में नाक ने आपको बेटा स्मेल में मदद किया नहीं किया, ऑलिफैक्टरी मेमोरी ने किया नहीं किया, ऑलिफैक्टरी मेमोरी ने किया क्या, ऑलिफैक्टरी मेमोरी ने किया नहीं किया, ऑलिफैक्टरी लोब ने किया क्या नहीं किया, तो फिर कौन कर रहा है बेटा, टेंपोरल लोब कर रहा है, किसकी मदद से, एक सेंटर की मदद से, जिसको क्या ऑलिफैक्टरी एरिया बोलते हैं ऑलिफैक्टरी। फिर यहां पे क्वेश्चन अरेंज होता है बेटा, मेरे अंदर में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी भी मोटर उसका भी बड़ा नाम है, गाना सुना कि नहीं सुना, यहां पे क्वेश्चन अरेंज हो रहा है भैया, हमने यहां पे सोचा ये भी गलत निकला, हमने यहां पे सोचा ये भी गलत निकला, सारा काम कर कौन रहा बेटा, टेंपोरल लोब थ्रू, तो फिर इसका काम क्या, ये बीच में टांग के फालतू लगा रहा है बेटा, इसका काम क्या यहां पे, समझ गए मेरे अंदर में, अब इसका काम क्या है बेटा, आपकी बुक में लिखा गया इसका काम होता है, ये काम करता है बेटा किसका, रिले सेंटर का। जिंदगी में पहली बार सुनोगे इसलिए ध्यान से सुनना, ये किसका काम करता है बेटा, शबाश आप इसको समझ लेंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे ये बहुत बॉयज एंड गर्ल्स में होता है, हम लोग ज्यादा इसमें मतलब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंसड है। समय का समय आता है, समय के समय में बेटा हमको सॉक्स धोने का मौका नहीं मिलता, बहुत बॉयज एंड गर्ल्स में हमारी प्रॉब्लम है, तो हमारे सॉक्स में जैसे जूता निकालते हो घर पे ऑफिस में क्लास में एकदम अच्छी अच्छी खुशबू आती है, सब लोग खुश हो जाते हैं, क्या जबरदस्त समय निकली, अच्छी समय आती है जूते से नहीं, गंदी समय आती है ना, आप गंदी समय आ कहां से रहिए बेटा, आपके सॉक्स से जैसे आपने पैर ओपन कर दिया, सॉक्स ओपन कर दिया तो इसकी गंदी स्मेल के पैर के कहां निकले, हवा में, और हवा से कहां पहुंचे बेटा, नाक से कहां पहुंचे, और ऑलिफैक्टरी मेम्ब्रेन को उन्होंने क्या कर दिया, नजर को कहां से मिला, ऑलिफैक्टरी मेम्ब्रेन को उन्होंने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेशन से बेटा क्या हुआ, डिपोजिशन, पॉल डिपोज हुआ, और इसने सिग्नल कहां पास किया बेटा, और आपके ब्रेन आपको भैया जूता गंदी में पहले गंदी से मिला रही है, या बाकी लोगों को बोला गया भैया गंदी से मिला इस बंदे को भगा दो यहां से, इमेजिन कर लो आपको दोस्तों ने बुलाया एक दावत पार्टी में, कुछ बेटा आपको सॉक्स धोने का समय नहीं मिला, अब हम लोग तो चला थे बेटा, हमने दिमाग लगाया तो हमने क्या लगा लिया, सॉक्स में परफ्यूम लगाया, ठीक है ना, जैसा था आप पहुंचे आपने जूते खोले एकदम अच्छी अच्छी स्मेल पूरे रूम में फैल गई, सो मुझे बताओ बेटा आप अपना दिमाग लगा के बताइए क्या इस सॉक्स की वो गंदी वाली स्मेल गायब होगी क्या, गंदी स्मेल कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बेटा, ठीक है, थर्मल डायनेमिक्स अनलेस एंड अंटिल बेटा आप उसको वॉश ना करो, ये समझ लो ना, सो क्या आपने परफ्यूम लगा के उस गंदी स्मेल को गायब कर दिया, या गंदी स्मेल अभी भी वहां पे, लेकिन फिर लोगों को वो गंदी स्मेल क्यों नहीं सुनने को मिल रही, या लोग उस गंदी स्मेल को फील क्यों नहीं कर पा रहे बेटा, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन बेटा कौन कौन ऑलिफैक्टरी लोब, अभी करता है नजर रखिए ध्यान से, जब भी आपकी लाइफ में कोई भी स्मेलिंग पार्टिकल एंटर करता है आपकी नाक में, यहां तक की कहानी सेम है, मैं इधर से शुरू करता हूं, ये स्मेलिंग पार्टिकल्स या ये स्टिमुलस कहां पहुंच जाता है, जब ये कहां पहुंच जाता है, और इस बंदे का नाम क्या है बेटा, रे सेंटर क्या करेगा बेटा, वो इस स्टिमुलस को मेजर करेगा, वो स्टिमुलस को मेजर करेगा बेटा, मेजर करने से मेरा क्या मतलब है कि जिस स्मेलिंग पार्टिकल का स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से ज्यादा, सुनिए ध्यान से, रे सेंटर्स का काम क्या होता है, जो भी इनकमिंग स्टिमुलस होता है, जो भी सेंसरी स्टिमुलस होता है, ये सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद बेटा अगर आप याद है एब्जॉर्ब लॉक, सेम उसी तरीके से रे सेंटर क्या करते हैं, ये इस इनकमिंग स्टिमुलस की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट के बाद चेक करते हैं कि क्या ये स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से कम है कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, अगर ये स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, अगर ये स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है बेटा, ये रे सेंटर क्या करेगा, इस स्टिमुलस के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, तो मुझे बताओ कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर, एक्साइटरी और इनहिबिटरी बेटा, एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे रिलीज होगा वो किसे एक्टिवेट करेगा, किसे एक्ट करेगा, शबाश ऑलिफैक्टरी ट्रैक पे, और ऑलिफैक्टरी ट्रैक किसे एक्ट करेगा, यानी जैसे इस सेंटर के पास सिग्नल पहुंच जाता है ना, इसके पास सिग्नल पहुंचने का मतलब ये है कि भैया हमको ये सिग्नल क्या करके दो, डिटेक्ट करके दो, सही है कि गलत है, आपने सॉक्स पहना था, सॉक्स पहनने के बाद जैसा आपने परफ्यूम उस पर लगाया, परफ्यूम लगाने के बाद दोनों स्मेलिंग पार्टिकल्स हवा में आए, गंदा वाला भी आया और अच्छा वाला भी आया, लेकिन आपने जो परफ्यूम लगाया ना बेटा उसका परसेंटेज है, तो हवा में किसके पार्टिकल ज्यादा होंगे, सो ऑटोमेटिकली बेटा इस बंदे के पास कौन से पार्टिकल्स का स्टिमुलस ज्यादा पहुंचेगा, ये समझ तो आपके ब्रेन को डिटेक्ट क्या करवाएगा बेटा, समझ आया ना, बट इनको उन्होंने डिटेक्ट क्यों नहीं कराया, बिकॉज इस स्टिमुलस को बेटा रिकॉग्नाइज, इस स्टिमुलस को बेटा हाइड किसने कर दिया, पॉजिटिव वाले स्टिमुलस ने कर दिया बेटा।